आज से गैरसैंण में दो दिवसीय विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। गैरसैंण में आज 17 नवंबर और 18 नवंबर को विधानसभा सत्र बुलाया गया है। इस विधानसभा सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं विपक्ष गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग और राज्य के अन्य तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। ऐसे में आज से शुरू हो रहे सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। वरिष्ठ सहयोगी प्रखर प्रकाश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रखर, आज इंतजार इसी बात का है कि ये सत्र की शुरुआत होगी, विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरेगी और सरकार कितनी तैयारी के साथ आज सत्र में पहुंचेगी। देखिए, सरकार ने अपनी पूरी रणनीति बनाई है। सरकार ने 12 विधेयकों के ऊपर बात करनी है और उन 12 विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी सरकार। 4 तो विश्वविद्यालय के विधेयक हैं, इसके अलावा सरकार को कुछ नियुक्तियां करनी है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम शॉर्ट सर्विस कमीशन कैबिनेट के अंदर फैसला ले चुकी है टीचरों के लिए, जो गेस्ट टीचर्स हैं। इसी तरीके से सरकार को आशा कार्यकर्तियों के लिए भी मानदेय बढ़ाना है और इसके अलावा डॉक्टर्स को जो पहाड़ों पे लाने की बात है और नियुक्तियां कराने की बात है उस पर बात होनी है। इसके अलावा गैरसैंण को एक बड़ा मुद्दा है, ये चुनावी मुद्दा होने जा रहा है। गैरसैंण में 2 दिन का इसलिए आहूत किया गया है सत्र की यहाँ पर अगर ना परमानेंट राजधानी बन सके तो अस्थायी राजधानी बनाई जाए, ग्रीष्मकालीन राजधानी की भी ऐसी उम्मीद की जा रही है। सोर्स हमारे कह रहे हैं कि घोषणा की जा सकती है और अगर सरकार ऐसी घोषणा करती है तो एक टर्निंग पॉइंट होगा उसके लिए, क्योंकि जब वो चुनाव में जाएगी तो इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। 16 साल से गैरसैंण का मुद्दा बना हुआ है, जब से उत्तराखंड बना है और तब से लेके अब तक देहरादून ही में राजधानी अटक के रह गई, ऊपर नहीं आ पाई। ये बात हुई थी कि साहब पहाड़ों में अगर राजधानी ऊपर बनेगी तो विकास पहाड़ों का होगा और इसीलिए उत्तराखंड बना था यूपी से अलग होके। लेकिन अभी तक 16 साल में पहाड़ों पर जो ऊंचे पर्वतीय दूरदराज के इलाके हैं वहां विकास नहीं हुआ है, इसको लेके प्रमुख मुद्दे आज छाए रहेंगे। हालांकि बीजेपी घेरेगी इस तरीके से कि साहब आप उलझाते हैं और आप कभी भी सही बात नहीं बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको करप्शन के मुद्दे पे घेरने की कोशिश करेगी। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जब घेरेगी तो सरकार कौन से जवाब देती है। हालांकि सरकार कह चुकी है संसदीय कार्य मंत्री निजी विश्वविद्यालयों को लेकर भी जो विधेयक अटके हुए हैं प्रखर, क्या आज उन पर भी मुहर लग सकती है? देखिए, मैंने पहले ही ये बात कह दी है, मैंने अपनी बात में पहले ही कह दी कि इसके ऊपर बात होगी। अभी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब विचार विमर्श होगा, जब आरोप प्रत्यारोप होंगे, सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं किसी भी मुद्दे पे, अगर विपक्ष आता है तो हम 2 दिन की जगह आगे भी जाते हैं, हम बढ़ा लेंगे समय को। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष बहिर्गमन करता है, मदद करता है, चलने देता है या वॉकआउट करता है। अगर वॉकआउट करेगा तो 2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी 2 दिन के लिए प्रखर ये सत्र बुलाया गया है और आम जनता के लिए क्या सौगात लेकर ये सत्र आएगा, ये जरूर लोगों में उत्सुकता होगी जानने की। मैंने अभी अभी बोला कि अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है तो इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं होगा। बिल्कुल, अभी अभी मैंने बताया अपने दर्शकों को। जानकारी के लिए प्रखर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।